टेक्नो गेमर और अंशु बीस्ट भाई, इन दोनों के पास माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड है, लेकिन भाई मेरे पास नहीं है। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है, जहाँ पे मेरे कुछ गोल्स होने वाले, जैसे कि अपने को चाहिए एक लग्जरी हाउस, उसके बाद चाहिए अपने को एक अनलिमिटेड आयरन फार्म, कम से कम एक आयरन का आर्मर तो मैं बनाऊंगा ही आज। तो सबसे पहले भाई मुक्का मार के मैंने तोड़ा पेड़ यहाँ पे, बहुत सारा अभी तोड़ ही रहा हूँ, बेसिकली टाइम लगता है इसमें, तो फटाफट से पेड़ तोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे जितना हो सके उतना। उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत सामान बनाना पड़ जाएगा अपने लिए, तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा क्राफ्टिंग टेबल, और ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, बन के रेडी हो। ओके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी विलेज नहीं मिला है, लेकिन प्लेन आइलैंड में आ चुका हूँ मैं। ओके, तो अच्छा लग रहा है यार, ये थोड़ा बयान मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। और फाइनली विलेज भी मिल चुका है हम लोग को। एक सेकेंड, मैंने कुछ और भी देखा वहाँ पे, विलेज तो है ही, वहाँ पे एक रूइंग पोर्टल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। बेसिकली एक ऑक्सीडन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, वो भी क्राइंग वाला ऑक्सीडन है। ओके, तो विलेज बहुत ज़्यादा बड़ा है शायद से। एक काम करते हैं, फटाफट से तैर के पहुँच जाते हैं विलेज में और चेकआउट करते हैं क्या सामान है वहाँ पे। काश एक गोल्डन एप्पल मिल जाए यहाँ पे, या तो एन्चार्टेड गोल्डन एप्पल मिल जाए तो काम बन जाएगा पूरे गेम भर का। ओके, वैसे यहाँ पे ऑक्सीडन तो है, अच्छा बोला, लावा पूल बना रखा है पूरा, तो बाद में हम लोग इससे हम लोग अपना पोर्टल बना सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट में फाइनली हम लोग को एक गोल्डन एप्पल मिल चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और एक चेस्ट है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला, और बाकी जो कचरा है भाई इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाद में हम लोग इसको ज़रूरत पड़ा तो ले लेंगे। ओके, तो इसको मैं नहीं पहनने वाला भाई, छोड़ो इसको। ओके, तो भाई विलेज तो मेरे को बहुत सही लग रहा है यहाँ पे, और भाई हंगर भी कम हो जाता है, तो मेलन से भाई बहुत बहुत घटिया हेल्थ बढ़ता है यार, ये बात तो है, ठीक है। विलेज तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे तीन के तीन घर साथ में दिख रहे, और यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा माल मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे को गोलम दिख चुका है, यहाँ पे हेबेल्स दिख चुके हैं, ठीक है। ओके, सामने की तरफ में एक और विलेज है क्या? हेलो, हाँ भाई सामने एक और विलेज है, एक साथ दो विलेज मिल चुके हैं, क्योंकि एक विलेज इतना बड़ा थोड़ी ना होता है कि नदी के उस पार भी भाई शुरू हो जाए। मेरे को लगता है मेरे को दो विलेज मिल चुके हैं, फटाफट से जाके देखते हैं उस तरफ में यार। ओके, तो वीडियो को एंड तक ही देखना। हम लोग भाई आयरन का फार्म बनाएंगे आज, हम लोग को घर बनाना है, बहुत सी चीज़ें बनानी है, और आयरन भी माइन करने जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग आधे मत छोड़ना, सही बता रहा हूँ, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए विलेज भी मिल चुका है हम लोग को, ओके, जो कि बहुत सही है। मतलब दो विलेज मिल चुके हैं बेसिकली, एक नहीं दो दो विलेज एक साथ मिल चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो गई है। और यहाँ पर हेबेल्स है, तो फटाफट से जितना से उतने हेबेल्स कलेक्ट कर लेते हैं। खाने पीने का जुगाड़ हो गया अपना, अब अपने कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड मेरे को लगता है अब बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा, क्योंकि भाई दो दो विलेज मिल चुके हैं, अब विलेजर्स की भी कमी नहीं होने वाली अपने को, तो सही है, अच्छी बात है। सामने मेरे को गोलम दिख चुका है, तो भाई एक काम करते हैं, आयरन जमा कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको हिट दे दिया है भाई, जल्दी से ब्लॉक, हाँ तो ठीक है, मैंने ब्रिजिंग कर ली यहाँ पे फटाफट से, और अभी के लिए इसको भाई शॉट देना शुरू करते हैं। तो भाई फटाफट से इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं जितना हो सके। ओ भाई हिट जो है ना यार, कितना टाइम, फाइनली इसने कितना, अबे यार पॉकेट एडिशन का गोलम 5 आयरन देता है और जावा का 3 आयरन देता है भाई, अलग ही नशे दोनों के, सही है यार। इसको भी हिट देते हैं और इसको भी गाप करते हैं। बेसिकली मैं अभी अपने पहले विलेज में हूँ जहाँ पे मैं था, तो यही फ़ायदा है कि भाई अपने को आयरन की कमी नहीं होने वाली कभी। और ऐसे मैं आयरन फार्म बनाने वाला हूँ, तो तुम लोग वेट करना उसके लिए भी, क्योंकि बहुत यूनिक आयरन फार्म बनाऊँगा मैं, सही है, ठीक है। तो अपने पास टोटल 6 आयरन ब्लॉक्स, मतलब हाँ आयरन इंगट जमा हो चुके हैं। तो अभी एक काम करते हैं ना, हम लोग एक छोटा सा बेस बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग सारा का सारा सामान रख सके, ठीक है। और मैंने सोच रखा है मैं कैसा बेस बनाने वाला हूँ, तो तुम लोग भी देखना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है वो बेस। तो इसको यहाँ पे रखते हैं अभी के लिए, एक सबसे पहले बेड वीड में बना लिया हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं रखना 4 ब्लॉक्स की माइनिंग कर लिया, यहाँ पे बेड ले लेते हैं, और बेड को लगाएंगे हम लोग सीधा बीच में। तुम लोग बोलोगे भाई क्या बना रहा है, तो तुम लोग देखो एंड तक की, थोड़ा अजीबोगरीब बेस बना रहा हूँ मैं। ओके, तो फर्नेस को रख देते हैं यहाँ पे हम लोग अभी के लिए, और अपने को चाहिए क्राफ्टिंग टेबल इसके लिए। इसको यहाँ पे रख दे क्या? नहीं यार, क्राफ्टिंग टेबल मेरे को बाजू में अच्छा ही लग रहा, तो इसको अभी के लिए यहाँ से तोड़ के हम लोग इसको यहाँ पे चेस्ट रख देते हैं, और इसको इसके ऊपर रख देते हैं ताकि अपना चेस्ट भी ओपन हो जाए एकदम आराम से, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को चाहिए होगा स्लैब्स और कुछ ट्रैप डोर, तो ये काम भी हो चुका है, लेकिन अभी कमी पड़ चुकी है, तो लकड़ी लेके आ जाते हैं हम लोग। लकड़ी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो सही हो गया, लकड़ी भी लेके आ चुके हैं, अभी इससे और हम लोग सामान बना लेते हैं और अपना मेन बेस बना के तैयार करते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी टेम्प्ररी रहने वाले हैं, ठीक है। बाद में हम लोग अपना लग्जरी घर भी बनाएंगे। ओके, तो अभी क्या करें, थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा यार इसमें भी,
अभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा है नहीं अपने पास, वरना तुम लोग और भी सामान यहाँ पे लगा सकते हो जो तुम लोग के मन में आए लगा देना, ठीक है। तो ये लगाओ, ऐसे लगाया, और इस वाले को यहाँ से ऐसे अपने को कवर कर देना है, ठीक है। और अभी के लिए बाजू बाजू से कवर करता हूँ ताकि रात को कोई ज़ॉम्बी क्रीपर ना फूट जाए अंदर को आके। सही है, तो यहाँ से भी कवर करते हैं, थोड़ा लुक भी इसका अच्छा दिखेगा, और सामने से भी इसको फुल पैक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको बहुत तगड़ा बना दिया है, अभी मेरे को ये देखने में कोई अच्छा लग रहा है। और अभी इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओपन किया हम लोग ने, सीधा बेड के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग अपना सारा का सारा सामान रख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और एकदम सेफ़ है, ज़ॉम्बी क्रीपर कुछ अंदर नहीं आ पाएगा। अभी ये टेम्प्ररी बनाया मैंने, बाद में हम लोग और ज़्यादा तगड़ा घर बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए सारा का सारा कचरा हम लोग ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो जितना भी मेन सामान है मैंने ऊपर के चेस्ट में प्लेस कर दिया है, और ब्रेड भी मैं अभी ज़्यादा रखने नहीं वाला हूँ, 31 रखता हूँ, क्योंकि पूरा पूरा स्टैक घूम जाए एक बार में अच्छा नहीं लगता। तो सही है, अभी मैं एक बनाता हूँ पिकैक्स, और अभी तीन जो बचा है उससे मैं बनाऊँगा एक वाटर बकेट, ठीक है, क्योंकि वाटर बकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जावा एडिशन में। तो सही है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और अभी के लिए ना यार मैं आगे बढ़ के देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अपने बेस को थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने फेंसिंग कर दी, जिससे कि भाई बाहर से कोई फालतू क्रीपर ज़ॉम्बी जो अंदर ना आ पाए। और अभी लुक दिखने में भी इसका लुक थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तुम लोग कमेंट उससे बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये बेस मेरा छोटा सा प्यारा सा। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग आयरन माइनिंग के तरफ में चल लेते हैं। ओके, सुबह भी हो चुकी है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आयरन माइनिंग करने के लिए। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार आयरन कहाँ पे मिलेगा अपने को, और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा वाला आयरन मिल जाए तो अपना काम भी बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई केव हो जिसमें अपना काम बन जाए। तो यहाँ पे केव्स दिख तो रहे हैं मेरे को बहुत सारे, फाइनली मेरे को एक केव मिल चुका है, और हम लोग फटाफट से यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं यार कुछ सामान मिल जाए तो काम बन जाएगा। ओके, तो केव वैसे तो बहुत बड़ा है यार, अच्छा केव मिल गया है, ऐसा नहीं है कि भाई घटिया केव है। और मैंने एकदम प्रॉपर MLG कर लिया है यहाँ से, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं अभी रह रहे के, ठीक है। एक नंबर भाई, सही चल रहा है अभी तक की तो। और केव गहरा है लेकिन अभी तक अपने को आयरन नहीं मिला। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा घूम के आ चुका हूँ और फाइनली मेरे को आयरन दिख चुका है, लेकिन भाई इस चिरांत को सबसे पहले मेरे को गायब करने दो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन को हरा दिया, और अभी यहाँ पे टॉर्चेस लगा देते हैं अभी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मॉब्स ना आ जाए यहाँ पे। और जितना आयरन है भाई फटाफट से माइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारा आयरन अपने को मिलने वाला है। तो उसके पहले भाई मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड मिला था, मैंने वो भी माइन कर लिया, वो बात अलग है मैं दिखाया नहीं। तो कोई ना यार, तुम लोग थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अपने को बहुत सी चीज़ें बिल्ड करनी है, घर बनाना है, आयरन फार्म बनाना है, और आर्मर बनाना है। तो भाई बहुत बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो अभी और आयरन मिल चुका है, फटाफट से जितना हो सके उतना आयरन जमा करते हैं और देखते हैं यार कितना जमा होता है। मैं टोटल एक स्टैक सोच के जा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1 stack जमा हो जाए तो अपना और ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है यार, और भी चीज़ें होती है कि माइनक्राफ्ट में बिल्ड करने के लिए, ठीक है, इतने कम में नहीं होगा। तो फाइनली और भी अपने को आयरन मिल चुका है यार, बहुत नज़दीक नज़दीक में आयरन लगे यार यहाँ पे, अच्छी बात है यार। एक नंबर भाई, सारा का सारा ग्राइंड कर लेते हैं जितना हो सके उतना। और जो भी वीडियो को अभी तक की देख रहा है यार, 1 lakh तो कर दो यार, बनता है 1 lakh, ठीक है। तो सही हो गया, इतना भी अपने पास बहुत सही सामान जमा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अपने को और भी आयरन मिला है यहाँ पे, बहुत सही बात भाई। अपने पास टोटल अभी 28 आयरन जमा हो चुका है, और यहाँ से जमा करके अपने पास बहुत सारा हो जाएगा, मेरे को लगता है 30-35 हो जाएगा। और टोटल मेरे को 1 stack का सोच के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो भाई मैं वापस से अपने बेस में आ चुका हूँ, और अभी के लिए मेरे पास टोटल 45 आयरन है। तो 1 stack तो नहीं हुआ, लेकिन 45 भी बहुत कम नहीं होता। तो सही है, अभी मैं काम करता हूँ फर्नेस में डाल लेता हूँ, मेरे पास कोल भी अच्छा भला है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पूरा का पूरा ना डाल के थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 20 कितना बचा है, 21 में तो अपना पूरा का पूरा आयरन स्मेल्ट हो जाएगा, और बाकी सारा कोल मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो अभी अपने पास बहुत सारा सामान जमा हो चुका है, ऑलमोस्ट ये छोटा सा बेस है मेरे पास, अभी आयरन पूरा आयरन का आर्मर आ जाएगा। और ये तीर किसने मारा बे भाई, पीछे जल रहा है लिटरली, लेकिन इसको अभी तीरे मारनी, देख रहे हो, चल यहीं से। तो ठीक है, अपने पास बहुत सामान होने वाला है, लेकिन अभी अभी मेन काम है जो कि अपने को बनाना है अपने लिए घर और एक आयरन फार्म, जो कि बहुत हार्ड होने वाला है। और इसी में भाई मैंने अपने लिए पूरा आर्मर भी बना लिया है। तो अभी कोई ना, मैं अभी घर बनाने जा रहा हूँ, सारा सारा सामान मैंने ले लिया है, अभी थोड़ा बहुत और सामान लगे तो मैं वो बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा वाला सामान जमा हो चुका है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपना एक लग्जरी घर के तरफ में, क्योंकि भाई घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइनक्राफ्ट में, और भाई लुक, और मुझे इसको भाई बहुत तगड़ा बनाना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इस तरफ को आ चुका हूँ,
और मेरे पास फ़ायदा है कि मेरे पास दो दो विलेज है अभी एकदम बाजू बाजू में। तो मैं सोच रहा हूँ इस जगह पे अपना घर बनाना शुरू करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है यहाँ पे, तो फटाफट से भाई यही चीज़ को ना तुम लोग यार टाइम लैप्स में देखो, तुम लोग को भी मज़ा आएगा और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो फाइनली अपना घर बन के रेडी हो चुका है, तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा लग्जरी बनाया है मैंने, तुम लोगों को वैसे पता ही होगा कैसा बना है, तो देख लो भाई और कमेंट करके बताना तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, और मैंने फ़र्स्ट टाइम में इतना बड़ा घर बिल्ड किया है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को इसको अपग्रेड नहीं करना है, मेरे को ये घर बहुत पसंद है। कल को हुआ तो हम लोग कासल बनाएंगे, वो बात अलग है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, कहीं और लोकेशन में बना देंगे, ठीक है। तो ये मेरे घर का इंटीरियर है, यहाँ पर सोफ़ा लगाया है, बेसिकली बैठ तो सकते नहीं लेकिन एक्टिंग तो कर सकते ना बैठने की, तो ठीक है तुम लोग बताना कैसा लगा। और यहाँ जाने से पहले हम लोग अपना स्टोरेज रूम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्टोरेज रूम होने वाला है, यहाँ पे भर भर के सामान जो भी डायमंड वायमंड होगा सब यहीं भरेंगे हम लोग, ठीक है। और अभी आगे बढ़ते हैं मेन रूम के तरफ में। तो ये है मेरा बेसिकली क्राफ्टिंग एरिया, जो भी हम लोग करेंगे, और मेरे को भाई इंचार्टमेंट एरिया बनाना होगा अपने घर में ही, या तो मैं पूरा अलग से रूम ही बनाऊँगा उसके लिए, ठीक है। तो ये है मेरा बेडरूम, ट्रिपल साइज़ बेड है यहाँ पे, और यहाँ का सीनरी भाई कितना ज़्यादा प्यारा है, और जब जब हम लोग भाई कुछ भी बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं हम लोग क्या एकदम प्यारे प्यारे बिल्ड्स आने वाले हैं। यार तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि तुम लोग को भाई मज़ा आ जाएगा, लिटरली हम लोग एकदम तगड़े तगड़े बिल्ड्स करेंगे। तो तुम लोग घर कैसा लगा मेरे को बता दो कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी मेन काम करते हैं, जो कि है आयरन फार्म, जो मैंने बोला था। तो अभी हम लोग एक तगड़ा सा आयरन फार्म भी बिल्ड करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सोचा इस जगह पे आयरन फार्म बनाते, जो कि मेरे घर से मेरे को दिखेगा भी, और इसका लुक मैं थोड़ा अलग देने वाला हूँ, मतलब बाकी सब आयरन फार्म से इसका लुक अलग होने वाला है और यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो इतना भी यूनिक नहीं होगा, बेसिकली होगा अच्छा ही होगा। तो काम करते हैं, शुरू करते हैं आयरन फार्म बनाना।
ओके, तो मैं यहाँ पे दो विलेजर्स को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और अभी के लिए भाई इन लोग को ऊपर तक चढ़ाना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। सही बता रहा हूँ, इस बंदे को तो जाने का भी नहीं है, मेरे को पता है लोग कैसे जाएंगे, तुम लोग बस सबर करो थोड़ा टाइम। और अभी इस एक और को देखो यहाँ पे, ये चिरान राजा रही ना, इसको भी भगाना पड़ेगा अपने को। तो बेटा तुम ज़्यादा शहरा ना बनो यहाँ पे, तो सही है, इसको मैंने भगा दिया। अभी के लिए अपने पास सही सामान हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये जो भाग रहा है, इसको भी अपने को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो भाई तुम रुको ज़रा, सबर करो, मेरे को पता है लोगों को कैसे भेजना है ऊपर के तरफ में। तो जैसे ही भाई तुम लोग अपने विलेजर्स को एक हिट दोगे ना भाई, वैसे ही वो लोग लाइन पे आ जाते हैं। बेसिकली इन लोगों को जैसे ही तुम एक चमाड़ मार दो, जो मार दो ना, उसके बाद इन लोग को पता है कि भाई लोग क्या करना है। बहुत बहुत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन इन लोग काम नहीं करना है बेसिकली। तो एक चमाड़ धर के धर दो इन लोग को, उसके बाद ये लोग फुल शांत हो जाते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लगाता हूँ, जिससे कि भाई जॉम्बी ना आ जाए पीछे पीछे कि भाई मैं भी आ गया। तो इससे इतने को जॉम्बी की ज़रूरत है, मैं उसको भी लाऊंगा अभी। फ़िलहाल के लिए ये दोनों अवस्था अपना आके सो चुके हैं, तो इसको पैक कर देते हैं। और अभी जॉम्बी को भी लेके आते हैं भाई, क्योंकि वो तो मेन बंदा है, उसके बिना अपना आयरन गोलम नहीं आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अपना ये काम भी हो चुका है, और अभी के लिए जॉम्बी को लेके आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको ढूंढना पड़ेगा यार, यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है अभी अपने को, तो ढूंढना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ठीक है यार, कहाँ है जॉम्बी बेटे, बाहर आ जा। और पीछे ही है, ये वाला पीछे ही है भाई, अच्छी बात है, यही तो है भाई, यही तो प्रो बंदा है। आ जा आ जा, जल्दी आ जा, आ रहा है ना। अबे भाई मेरे पीछे ही एकदम, बेफालतू के हिट्स दे देगा, बोलेगा ओए तू कौन है। तो सही है, अभी हम लोग इसको लेके आ चुके हैं। आना भाई, इतना इतना धीरे कौन चढ़ता है सीढ़ी। चलो भाई ये आ चुका है, बैठ चुका है बोट। अबे यार मैंने बोट उल्टा लगाया क्या, एक कोई ना यार, बैठ के करना पड़ेगा सीधा, बात अलग है, डैमेज बहुत देने वाला है मुझे ये, लेकिन कोई ना, अब यही एक रास्ता है। तो ठीक है, अभी के लिए मैं बैठ चुका हूँ भाई, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है मेरे को। तो भाई विलेजर उठा था क्या यहाँ पे? तो तुम लोग जो देख रहे हो ना बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर, वो अपना आयरन फार्म है, और ये मैंने थोड़ा यूनिक बोला था तो मैंने यूनिक बनाया है। तो अपना आयरन फार्म बन के फुल रेडी हो चुका है, ठीक है। तो भाई बेसिकली क्या ही होता है आयरन फार्म यार, सबको पता है कैसे बनाना है, तो उसका मैं सोचा इतना बड़ा क्या ही मैं बता दूँ। और एक आयरन गोलम तो नीचे घूम रहा है अपना, जब मैं बना था तब वो आराम से नीचे आ गया। तो ठीक है यार, तुम लोग बताओ कैसा लगा ये आयरन फार्म। पता है अभी दो चीज़ें मिसिंग है, तो वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा दी हैं बेसिकली। तो तुम लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आयरन फार्म कैसे काम करता है, थोड़ा अलग सा है। तो फटाफट से मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक सीढ़ी है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ बेसिकली। अब देखो ये अपना आयरन गोलम आएगा, बाकी तो तुम लोग को पता ही है क्या होगा भाई इसके साथ। ये मस्त करके आएगा, वहाँ पर जाएगा, और भाई सीधा अपने पास आयरन जमा हो जाएगा। तो इतना आसान है, और ऐसे ही करके बहुत सारे अपने पास आयरन गोलम्स आ जाएंगे। पता नहीं अभी कितना फास्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो एक जलानी एक और आ गया, तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने तीन विलेजर कर दिए थे बाद में, ठीक है। और यहाँ से एमएलजी करके हम लोग नीचे आ चुके हैं भाई, कर तो ले रहा हूँ मैं एमएलजी यार, तुम लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं ऊपर के तरफ में, और देखते हैं कितना आयरन जमा हुआ है। बेसिकली बहुत टाइम से चल रहा है, मैं इसको देखा नहीं, तो टोटल अपने पास 42 कुछ जमा हो चुका है आयरन, और अपने पास बहुत सही हो गया है। तो अभी के लिए वापस से एमएलजी करके नीचे जाते हैं, और हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, नहीं नहीं हुआ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सारा सीरीज़ का सलाह कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट पर, तब तक के लिए टेक केयर।